शर्मा ने टीकमगढ़ से आए कांग्रेस के 5 पार्षद को बीजेपी में सदस्यता दिलाई है। इनके साथ ही एक निर्दलीय पार्षद को भी बीजेपी में शामिल किया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडी शर्मा ने सदस्यता दिलाई है, एक निर्दलीय पार्षद ने भी बीजेपी ज्वाइन की है और वीडी शर्मा सदस्यता दिलाते नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बीजेपी ज्वाइन कराते हुए 5 पार्षदों को वो नजर आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीर बीजेपी के सदस्यता अभियान को बढ़ावा देती, जहां एक तरफ सदस्यता अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ वीडी शर्मा ने 5 पार्षदों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। हरदा में आज किसानों ने आक्रोश रैली निकाली है। रैली के दौरान हरदा शहर की सड़कों पर किसान और ट्रैक्टर ही दिखाई दिए। किसानों ने सोयाबीन की MSP 6,000 रुपए करने की मांग को लेकर यह आक्रोश रैली निकाली है। रैली में जिले के हर गांव के किसान पहुंचे थे और सड़कों पर जाम देखते हुए हरदा सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। जिले में किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है, हजारों की संख्या में किसान यहां पर सड़कों पर निकल गए हैं। किसानों की एक ही मांग है कि सोयाबीन 6,000 रुपए क्विंटल की जाए। इसी को लेकर आज हरदा में किसानों की आक्रोश रैली निकल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और ट्रैक्टर शामिल है। आलम यह है कि हरदा की सड़कों पर चारों तरफ जाम है। किसानों का आक्रोश बिल्कुल इस बात को लेकर है कि सरकार किसानों का सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करे। प्रवीण सिंह तंवर, News 18 हरदा। खंडवा निगम में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। महापौर अमृता यादव के वाहन का चालान बनवाया गया, ट्रैफिक TI को बुलवाकर उनका चालान कटवाया गया है। चालान की एक शख्स ने राशि दिलाई है, प्लेट पर बॉस की तरह लिखवाया था गाड़ी का नंबर। विपक्ष और बीजेपी के पार्षदों और नेताओं के बीच यहां बहस भी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष जो इंदू राठौर हैं, उनके द्वारा बताया गया कि महापौर जी की जो गाड़ी है उसमें नंबर प्लेट 8055 नंबर है, लेकिन वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो थोड़ा बॉस जैसा प्रतीत हो रहा है, तो उसका चालान जो है यहाँ बनवाया गया है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार का 19 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया है। MP सरकार के 9 साल पूरे होने पर खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं और आगे भी यह विकास की प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की माने तो सरकार ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं जिनके बारे में विरोधी भी कहा करते थे कि सरकार कभी ऐसे निर्णय नहीं ले सकती। तो वही प्रदेश सरकार के 9 महीने पूरे होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार ने चुनाव के समय जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 9 महीने में सरकार की कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको वो बता सके। तो 9 महीने पूरे हुए हैं मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने और इस पर अब तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। यादव जी की सरकार ने 9 महीनों में विकास और कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लगातार प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, इस संकल्प के साथ ये 9 महीने निकले। 9 महीने का कार्यकाल है हमारा, विकास उन्मुख कार्यकाल है। 9 महीने के अंदर देखिए हमने सरकार ने वो सारे डिसीजन लिए जो विरोधी भी कहते थे कि सरकार ये नहीं कर पाएगी। हमने हर काम को जमीन पर उतारा और चुनाव भी शांतिपूर्ण हुए। मोहन सरकार की यू टर्न की सरकार है, कुछ भी ऐसा काम जो
पब्लिक डोमेन में मदद करे, नहीं किया मोहन सरकार ने। जनता के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में और महिलाओं के हित में अगर एक ड्राफ्टिंग भी है और अगर एक इनके कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है जो इन्होंने अपने